फाइव नंबर देखिए, अब फंक्शन यहाँ पे दिया है माइनस वन और जीरो पर एक कंटिन्यूस रहते हैं, इन कॉन्स्टेंट ए और बी के वैल्यू निकालने। चलिए देखते हैं, एट एक्स इक्वल टू माइनस वन पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन पावर में भेज देंगे और फंक्शन आपका एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन पावर में माइनस, अच्छा एक्स जब माइनस वन से लेस देन है तो उसका वैल्यू है फोर, और फोर का लिमिट फोर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन पावर में प्लस दे देते हैं और एफ एक्स आपका फंक्शन यहाँ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन पावर में प्लस देते हैं, और देखिए माइनस वन से ग्रेटर के लिए आपका फंक्शन है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी, तो ए इंटू में माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी, यानी आ जाएगा यहाँ से ए प्लस बी, ठीक है। आपके पास ये दिया हुआ है पहले से ही कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन पर जब कंटिन्यूअस है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा इक्वल हो जाएगा राइट हैंड लिमिट के, राइट हैंड लिमिट के, तो इसका वैल्यू है फोर और इसका ए प्लस बी, यानी आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू में फोर, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं ना, अब इसके बाद देखिए एट एक्स इक्वल टू जीरो के लिए, जीरो के लिए लेके चलते हैं आप। चलिए तो जीरो पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में माइनस और फंक्शन आपका एफ एक्स है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में माइनस, अच्छा जीरो से लेस देन के लिए है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी, यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू में जीरो का स्क्वायर प्लस का बी, यानी बी आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसका राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में प्लस और फंक्शन आपका एफ एक्स हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पावर में प्लस, अच्छा देखो जीरो से ग्रेटर के लिए है यहाँ पर कॉस एक्स, यानी आ जाएगा कॉस जीरो और कॉस जीरो का वैल्यू होता है वन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपके पास क्वेश्चन में ये कह रहा था ना पहले से कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो जीरो पर कंटिन्यूअस है तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा वह इक्वल हो जाएगा इसके राइट हैंड लिमिट के, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से इसका वैल्यू बी है और इसका वन, बी का वैल्यू वन आ गया। अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में था ए प्लस बी इक्वल टू में फोर, तो यहाँ बी का वैल्यू वन रख देते हैं, उधर जाके सबके कर जाएगा ए का वैल्यू थ्री आ जाएगा, यानी देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि ए का वैल्यू आपका थ्री हो गया और बी का वैल्यू वन हो गया, समझ गए। चलिए चलिए।